हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायोलॉजी। बेटा कल मैंने आपको द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री जड़ बताई थी, आज मैं आपको एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री तने के बारे में बताऊंगी। जब तने की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टीम की, तो बेटा आप जानते हैं कि जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं यानी प्लांट्स होते हैं, उनमें तनों के भी कुछ अपने अलग विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना, देखो, ज़रूरी होना चाहिए। तनों की बाह्य त्वचा, जो तने होती हैं यानी जो स्टेम होती है उसका जो बाह्य त्वचा होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, तो उसके ऊपर भी एक लेयर होती है। आपने कभी किसी पेड़ का जो तना है अगर आप उसे थोड़ा सा खरोचोगे तो आपको छाल बोलते हो हिंदी में आप, तो उसके ऊपर से कोई एक छाल निकलेगी, वो उसकी बेसिकली बाह्य त्वचा होती है। तने पर हमेशा बहुकोशी के रोम यानी तने के ऊपर भी बहुत हल्के हल्के से, जैसे कि आपने रूट यानी जड़ पर देखे थे कि हल्के हल्के से बाल जैसे होते थे, है ना, रेशे होते थे, तो वैसे ही आपके तने के ऊपर भी होते हैं। इसके अलावा हाइपोडर्मिस भी होती है और उसमें उसके अंदर छोटी छोटी लेयर्स भी, मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, बहुत सारी लेयर्स होती है जो सारे के सारे मिलकर मृदुतक की बनी होती हैं। इसके अलावा जो संवहन पुल होता है उसके अंदर आपका बायोफ्लोएमी या फिर उबेफ्लोएमी, इनमें से कोई भी एक हो सकता है जो इन्हें घेर के रखने का काम करता है। और इसके अलावा इसमें दाऊ होता है, वो मध्य दाऊ की होती है यानी बीच में होती है इसकी अवस्था। जो द्विबीजपत्री तने होते हैं इसमें हम बात करेंगे, जैसे सूरजमुखी और कुकुरबिटा है इसकी, और एकबीजपत्री तने में हम किसकी बात करेंगे, मक्की की, ठीक है। तो अब आप इसे आगे देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन ये बायोलॉजी की बुक में आपका पेज नंबर 348 पे है। द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो इसमें द्विबीजपत्री में सबसे पहले आएगा सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक द्विबीजपत्री प्लांट होता है, और जब हम इसकी माइक्रोस्कोप से स्लाइड का अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो इस पे भी सबसे पहले बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस सबसे बाह्य त्वचा होती है, सबसे बाहर वाली होती है, और ये एक कोशिका की होती है, यानी आप ये कह सकते हो कि एक सिंगल सेल थिक लेयर होती है, यानी मोटे स्तर में एक ही कोशिका की बनी होती है। इसके चारों तरफ से एक या एक से ज़्यादा सेल्स भी या क्यूटिन की एक लेयर पाई जाती है, और इनके अंदर वैक्सी पदार्थ होता है जो सबसे ऊपर बाह्य त्वचा पर होता है, उपचर्म पर होता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो कि आप किसी कीकर, राइट, अगर आप कीकर की पेड़ को थोड़ा सा आप उसे छील देंगे छाल की, तो आप ये देखेंगे कि उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, राइट, गोंद निकलती है उसमें से। ऐसी काफ़ी प्लांट्स हैं कि जिनमें से कुछ ना कुछ सिक्रीशन होता है, तो बेटा वही सिक्रीशन की बात हो रही है कि वसीय पदार्थ, वैक्सी जो फ्लूड है वो निकालते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, द्विबीजपत्री तने के अंदर ये जो बाह्य लेयर होती है, बाह्य लेयर का काम मोस्टली हमारे भी स्किन पे त्वचा है बेटा, तो हमारे जो बॉडी के ऊपर जो स्किन है वो भी हमारा मेन काम क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो उसी तरीके से ये जो प्लांट होते हैं इनकी भी जो बाह्य त्वचा होती है वो इन्हें प्रोटेक्शन का काम देती है, ठीक है। और ये जो आपकी जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इनके अंदर जो आपकी एपिडर्मिस होती है या फिर कॉक, इन दोनों में से किसी की भी लेयर बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अर्धस्तर त्वचा यानी हाइपोडर्मिस। जो आपकी हाइपोडर्मिस होती है ये आपकी एपिडर्मिस के तुरंत नीचे होती है, और जो आपके शाखीय पौधे होते हैं उनके अंदर कोलेनकाइमा की कोशिकाएं के द्वारा ये बनते हैं। ये जो कोलेनकाइमा सेल्स होती हैं इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या आपकी 3 से 5 हो सकती है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर अंतरकाशीय स्पेस, बेटा इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ये होगा, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा यानी आपका हरित लवक होगा। आप जानते हैं कि जो हरित लवक होता है उसकी प्रेजेंस में जो तना होता है, तना ऐसा, मतलब तना भी ग्रीन होता है, कैसा कलर का होता है तना, मोस्टली ग्रीन होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ होते हैं, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जड़ की जो मैंने आपको दिखाई थी, तो उस तरीके से बेटा ये आपकी तने की है स्ट्रक्चर, इसे भी आप बहुत अच्छे से याद भी करेंगे, एंड प्लस आप इसे बना के देखेंगे और आप इसे अच्छे से लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। ये आपका जो हाइपोडर्मिस थी, हाइपोडर्मिस के नीचे होता है, और इसके अंदर जो आपकी पैरेन्काइमेटस होती हैं यानी मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं, ये बहुत ज़्यादा एक मोटा स्तर बनाना शुरू कर देती हैं यानी लेयर बनाना शुरू कर देती हैं, और इन लेयर्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती हैं।
इन क्षेत्र के अंदर जो रेजिनी नलिकाएं भी होती हैं, जो आपका म्यूकस का या किसी भी श्लेष्म का या किसी भी चिपचिपे पदार्थ का सिक्रेशन करती हैं। वल्कुट या जो कॉर्टेक्स होता है, उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है कि जो जल है या फिर कोई भी उसका खाद्य पदार्थ है, उसे स्टोर करके रखने का। देन आपका फोर्थ है अंतस्थ त्वचा यानी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो लेयर होती है, ये भी आपकी अंत त्वचा होती, मतलब ये आपकी और अंदर की लेयर होती है। ये आपकी ढोलक के आकार की हो सकती है या फिर ये आपस में एक दूसरे से सटी हुई हो सकती हैं। बेटा इनके अंदर भी स्टार्च यानी मंडका संचित करती हैं, इकट्ठा करती हैं उसे, और इस वजह से इन्हें मंडा छंद या फिर स्टार्च शीत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कैस्पियन पत्तियाँ जो होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, वो इसमें उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है आपका भरण उत्तक यानी ग्राउंड टिश्यू। जो ग्राउंड टिश्यू या भरण उत्तक होता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो आपके एकबीजपत्री तने होते हैं, इनमें जो उत्तक बहुत ज़्यादा कहना डेंस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आपके भरण उत्तक कहलाते हैं। बेसिकली इनमें आपके समन पुल भी पाए जाते हैं और इनकी कोशिका गोल होती हैं या फिर बहुभुजीय हो सकती हैं, जिनके अंदर जो स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। और इनका मेन फंक्शन होता है कि ये जो भी आपका स्टार्च सिक्रेट होता है या जल होता है, उसे स्टोर करके रखने का काम करता है। नेक्स्ट आपका है संवहन पुल या वैस्कुलर बंडल्स। ये आपके जो संवहन ये होते हैं, ये मृद्युतक कोशिकाओं तक फैले होते हैं। इनका आकार अंडाकार या ओवल शेप का होता है और जो इसकी आउटर लेयर होती है, वहाँ पे छोटे छोटे संवहन पुल होते हैं, और जैसे जैसे आप केंद्र की तरफ बढ़ते चले जाओगे तो ये बड़े होते चले जाते हैं। इसके अलावा जो संवहन पुल होते हैं, इसके चारों तरफ जो दुर्दंतक कोशिकाएँ पाई जाती हैं, ये सारी की सारी बंडल शीट के रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका परिरम या पेरिसाइकल। जो अंत्य त्वचा होती है, उसके अंदर एक लेयर और होती है जिसे कोशिकीय परत या परिरम कहा जाता है। और इसमें इसके अंदर लिग्निन का जमाव होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ठोस होती है। और ये जो इसका ठोस वाला पार्ट होता है, हम इसे बास तंतु या बेस्ट फैब्रिकल कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद संवहन पुल यानी वैस्कुलर बंडल। जब आप वैस्कुलर बंडल में संवहन पुल, जब आप परिरम, ये जो परिधि थी, जब आप इसके अंदर की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर जाइलम, फ्लोएम, कैम्पियम, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये सारी की सारी ये घेरे के अंदर स्थित रहती हैं। ये जो संवहन पुल होता है, या तो ये जॉइंट होगा यानी संयुक्त होगा, या फिर ये बाह्य फ्लोएम जो आपका कोलेट्रल है इसका होगा। और बहुत बार ये ओपन भी होता है, वर्दी भी होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो संवहन पुल है, उसमें जो उसका दाव वाला पार्ट और जो पोषवाहक वाला है, इनके बीच में ये एक कॉर्किया एधा होती है। और इसका मेन काम भी यही है कि जो आउटर लेयर्स हैं, जो परिधि है उधर से, और जो अंदर की तरफ केंद्र है, इसमें आप ये कह सकते हो कि बाहर की तरफ बहुत कम पाया जाएगा और अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, मतलब डेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है मज्जा रश्मियाँ यानी मैंडुलर रेज। ये जब दो संवहन पुल होते हैं, उनके बीच में स्थित जो मृद्युतक कोशिकाएं होती हैं, उसमें ये रश्मिकाएं बनती हैं। और इनका मेन काम होता है कि जो भी जल है या फिर खाद्य पदार्थ है, वो तने में स्थानांतरित होना या तने में इकट्ठा रहना, यानी तने को पहुंचाना। नेक्स्ट आपकी है मज्जा या पित्त। ये तने का केंद्र वाला भाग होता है, यानी सेंटर भाग होता है। और इसमें जो मृद्युतक कोशिकाएं होती हैं, मृद्युतक कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा ये बनते हैं। और इनके बीच में अंतर्काशीय स्थान या इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं गोल भी हो सकती हैं, बहुभुजीय भी हो सकती हैं। और इनका भी जो मेन वर्क होता है, वो जल और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनको स्टोर करना होता है। तो ये आपका द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना मैंने आपको बताई। आप इसका डायग्राम बहुत ही अच्छे से लर्न करेंगे और इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने कल भी कहा था कि जो जड़ है एकबीजपत्री जड़ या फिर एकबीजपत्री द्विबीजपत्री तने, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आते ही आते हैं मोस्टली, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
तो स्टूडेंट्स देखो, एक बार मैं आपको डायग्राम फिर से बता देती हूँ। जो ये सेल थी हमने काट देखी, इसकी जो सबसे बाहरी की तरफ होती है इसके रोम पाए जाते हैं। रोम मीन्स बाल टाइप में पाए जाते हैं। देन उसकी बाह्य त्वचा होती है, ऊपरी लेयर होती है, उसके नीचे उसका वलकुट वाला भाग होता है और वलकुट के ही नीचे फिर इसमें मज्जा किरणें होती हैं, अंतस्थ त्वचा होती है, सारे के सारे आपके भरण ऊतक के अंदर होते हैं। और देन उसमें फिर दाऊ होता है जो पोषण बीच में खाली होता है, और पोषवाहक भी होते हैं। पोषवाहक जैसे नाम से आपको रिनोट हो रहा है, पोषवाहक ये हैं। और इसके अंदर मृद्युतक और दीर्घ्युतक दोनों पाए जाते हैं जो कि आपके परिरम का पार्ट होते हैं। अब मैं बात करूंगी इसके और डीप में। बेटा सबसे बाहरी तरफ ये जो इसकी कोशिकाएं होती हैं इनकी लेयर्स यानी मूल रोम भी पाए जाते हैं। फिर इसकी ऊपरी त्वचा होती है, बाह्य त्वचा होती है। आपको डायग्राम भी देखो, जब बनाना है तो आपको इसी सीक्वेंस में बनाना है और ऐसे ही बनाना है। बाह्य त्वचा यानी सबसे आउटर लेयर होती है, देन उसके अंदर अधित त्वचा होती है, फिर वलकुट होते हैं। इसके अलावा बेटा ये रेजिनेंट नाल दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई फ्लूड का सिक्रीशन होता है। फिर उसके बाद अंतस्थ त्वचा होती है, फिर अंतस्थ त्वचा के अंदर की तरफ परिरंभ होते हैं, उसी के अंदर पोषवाहक होते हैं, एदा होता है, दाऊ होता है। ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? संवहन पुल में। और इसी के साथ साथ लास्ट में आपको मज्जा रश्मि और सबसे आखिर में आपको मज्जा दिखाई देता है। तो ये आपके दोनों के दोनों, जो मैंने ये ऊपर वाला डायग्राम दिखाया जिसपे ए लिख रहा है, ये आपका द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट है, यानी ये इसका रेखीय चित्र है। और जो दूसरा वाला, ये आपको मैंने बी वाला पोर्शन समझाया, ये आपका द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट है, यानी एक ही कोशिका का, यानी और ज़्यादा डीप में जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो और ज़्यादा डीप में ये ऐसा दिखाई दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसे अच्छे से याद करेंगे और डायग्राम्स को अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। थैंक यू क्लास।